नमस्कार, मैं हूँ संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे बिहार में पंचायत चुनाव हुए करीब करीब एक साल का वक्त गुजर चुका है। विगत एक वर्षों में वर्तमान के जो मुखिया हैं इनके द्वारा क्या कुछ काम किया गया है, इसके अलावा कुछ सिद्धांत की बातें होगी, कुछ अधिकार की बातें होगी। तो अभी हम लोग आए हुए हैं पटना जिला। पटना जिला में मनेर प्रखंड पड़ता है और किला किता 74 मध्य हैं। और यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं लाल किशोर सिंह जी हैं, तो इनसे जानते हैं कि शपथ लेने के बाद इनकी प्रथम प्राथमिकता क्या हुई इस पंचायत के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर। इसके अलावा जो अधिकार की बातें हैं तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। पहले तो लाल किशोर जी, आपको वेब समाचार बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद आपके लिए। इसमें आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए और समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। ये सवाल जो आगे पीछे देखते रहेंगे लोग, और आगे की ओर भी हम आगे की समस्याओं को उठाते रहेंगे। जी जी। अच्छा बताइए कि जब आपने शपथ लिया, शपथ लेने के बाद चूंकि आप एक टीचर भी हैं, तो टीचर शिक्षा स्वास्थ्य पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि चूंकि जनता ने आपको 5 वर्षों के लिए मौका दिया है, तो शपथ लेने के बाद प्रथम हस्ताक्षर आपने किस कार्य योजना को लेकर के किया? कई एक वर्षों से पेयजल बना हुआ चालू था, अति लगा हुआ था लेकिन चालू नहीं हो रहा था। मैंने एक हफ्ता के अंदर ही उसे शपथ लेने के बाद, एक हफ्ता के अंदर ही मैंने इस सारे नल जल योजनाओं को मैंने चालू कराया। घर घर पानी पहुंचाने का मैंने काम किया। इसके अलावा मैंने दूसरी बार हम लोग मिल करके समूह के रूप में वार्ड से लेकर के समिति सरपंच मिल करके हम लोगों ने सारे स्कूलों का निरीक्षण किया, ताकि वहाँ को शिक्षा को सुचारू रूप से चलाया जा सके। और शिक्षकों को हम लोगों ने सलाह भी दी कि आप लोग अब पहलका रवैया को हटा दीजिए, आप टाइम से आएँ और टाइम से जाएँ। और टाइम से आने जाने के अलावा भी जो पोषक तत्व हैं वो बच्चों को दें और रूटीन के अनुसार आप लोग क्लास करें, ताकि जब तक रूटीन हम लोग रूटीन को भी चेक किए, कुछ त्रुटियाँ हम लोग पाए। बहुत से स्कूलों में रूटीन तक नहीं बनी हुई थी, जो टीचर जहाँ जिनको पढ़ाना था जाते थे पढ़ाते थे, या अपने बैठ करके राजनीति की बातें किया करते थे। मैंने उन लोगों को आगाह किया कि जो पहले वाला रवैया है इसको छोड़, शिक्षा को सुधारिए। जब तक शिक्षा नहीं सुधरेगा, कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार और कर्तव्य, पावर और फंक्शन नहीं समझेंगे लोग, तब तक वे कोई चीज़ विकास करना इम्पॉसिबल थी। और मैंने पुस्तकालय के भी मैंने खुलवाया, सरदार भगत सिंह अपना जो मेरा सरकार पंचायत भवन है वो कई एक वर्षों से बना था, ताला लटका हुआ रहता था। पहले के मुखिया अपने दरवाजे पर ही सारे ऑफिस चलाया करते थे, हम लोगों ने उस ऑफिस में भी एक पुस्तकालय देने का काम किया, ताकि बच्चे उसे फ़ायदा उठा सकें। अच्छा, इसके अलावा आपने कितने लोगों को जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय दिलवाने का काम किया? अभी जो पहले का बना हुआ था 2016 में ही आवास योजना आया हुआ था, अभी तक वह पूर्ण नहीं हो पाया है। मैंने उसको लग भर करके बहुत जल्दी मैंने दिलाने का काम किया। कुछ और हमें समस्याएं लटकी हुई है जो अभी पूर्ण रूप से लोगों को नहीं मिल पाया है। अगर सरकार और भी देने के लिए अगर आती है तो मैं गरीब लोगों को चिन्हित कर उनको मैं दिलाने का काम। अच्छा, पहले का जो लिस्ट बना हुआ था तो क्या ये जेन्युइन था या इसमें भी कुछ कटाव किया गया? कटाव किया गया था, इसमें भी बहुत से ऐसे थे जो इनको नहीं मिलना चाहिए उनको मिल गया, जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिला। आज भी लोग ऐसे गरीब तबके के हैं जो झोपड़ी में रहते हैं, गरीब तबके के लोग हैं जिनको घर अभी तक ले नहीं बना हुआ है, ऐसे गरीब भी आज भी हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन लोगों को चरा लोगों को मिल चुकी है, परसेंटेज 40% लोगों को लगभग अभी तक मकान नहीं मिला। अच्छा, 15वीं 20वीं से और सिस्टम से क्या कुछ कार्य हुए? हाँ, 15वीं से मैंने 7-8 नली गली बनवाए, कस्टम से भी मैंने समुदाय भवन का जीर्णोद्वार कराया, जो करीब 200 बरस से समुदाय भवन पड़ा हुआ था उसमें कंवारी गेट तक नहीं लगा हुआ था, उसको मैंने फिर से झड़वा करके चू रहा था, वह मैंने उसको तोड़ करके
फिर ढलवाने का काम किया, गेट कमरे लगवा रहे हैं, अभी काम चल रहा है। एक समुदाय भवन वार्ड 3 में वो भी जर्जर परिस्थिति में थी, उसको मैंने भी जीर्णोद्धार कराया, टाइल्स तक लगवाया। आंगनबाड़ी भी कई एक वर्षों से पड़ा हुआ था, आज तक हैंड ओवर नहीं किया गया था, मैंने उसको भी जीर्णोद्धार कर करके हैंड ओवर करवाया। अच्छी बताइए, ये तो आपको जनता ने चुना है, तो डेवलपमेंट करने का, विकास करने का काम है और आपको करना है। लेकिन अब हम मुद्दे की बात करते हैं कि जब भारत का संविधान एक है, जनता के प्रतिनिधि आप ही हैं, जनता के प्रतिनिधि MP MLA भी हैं, तो उन लोगों को हर तरह का सुविधा मिलता है, तो क्या आप लोगों को पेंशन नहीं मिलना चाहिए, यात्रा भत्ता नहीं मिलना चाहिए, महंगाई भत्ता नहीं मिलना चाहिए, बिजली नहीं मिलना चाहिए, मोबाइल खर्च नहीं मिलना चाहिए? जो भी उन लोगों को मिल रहा है सारे प्रतिनिधियों को मिलना चाहिए। ऊपर जितने MP MLA हैं उनसे अधिक समस्याओं से हम लोग नीचे तबके के जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं, चाहे वार्ड हों या पंच हों या मुखिया हों या सरपंच हों या समिति हों, उन लोगों से ज़्यादा समस्याओं से हम लोग को उलझना पड़ रहा है। चाहे किसी तरह के मामला हो, पारिवारिक मामला से लेकर सामाजिक मामला, गांव की मामला, पंचायत की मामला, सारे मामलाएँ हम लोगों के पास आते रहते हैं। 6 बजे सुबह होती है और 10 बजे रात तक हम लोग समस्याओं से उलझते रहते हैं। कभी भाई भाई का झगड़ा होता है, कभी बाप बेटे का झगड़ा होता है, कभी पति पत्नी का झगड़ा मामला आता है, जमीन जायदाद की मामलाएँ आती है, जितने भी मामलाएँ हैं, समस्याएँ हैं, सब लोगों सब चीज़ों से हम लोग को उलझना पड़ता है। वो लोग तो बस आए कि सिर्फ विकास की मामला को किए, ये किए नहीं किए, हम लोगों का तो किसी का गली रुक गया, चलिए भाई मुखिया जब वहाँ गली हमको देखिए, गली हमको फलना रोक दिया, हमारा घर बन रहा है तो हमारा देखिए घर फलना रोक दिया, वहाँ जा कर के समस्याओं से रूबरू होकर के हम लोगों को सुलझाना पड़ता है। अब बहुत से चीज़ों का सामना करना पड़ता है, सामना करने के कारण ही, सच बात बोलने के कारण ही, न्याय करने के कारण ही कितने सरपंच और कितना मुखिया को मार दिया गया, इसकी सरकार को कोई सुधि नहीं है जी। इसलिए जो भी सुविधाएं उन लोगों को मिलनी मिल रही है, यात्रा भत्ता हो, महंगाई भत्ता हो, चाहे जो भी सुविधाएं हैं, पेंशन हो, बिजली का चीज हो, जो भी सुविधाएं उन लोगों को है। अब उन लोगों को देखिए कपड़े धुलाने का पैसा मिलता है, बताइए मोबाइल 200 रुपया में भर महीना लगाइए, बात कीजिए, उन लोगों को 15-15 हज़ार से बेसी उन लोगों को महीना में मोबाइल खर्च मिलता है। समझ, मार्केट तो एक है, चाहे MP मार्केट करते हो, MLA मार्केट करते हो, या मुखिया करते हो, या वार्ड करते हो, मार्केट सबका एक है, खर्च मीटर मोटा मोटी एक होने जा रहा है। जहाँ तक विधायक और MP से खर्च ज़्यादा मुखिया लोगों को होते जा रहा है। कोई भी पूजा पाठ आएगा, गांव में मामला आएगा, मुखिया जी चल हो देहो ना रसीदवा काट न ले हो, सारी चीज़ों से होता। किसी का बहन के शादी हो गई, मुखिया जी गरीब है, 5 हज़ार रुपया दो ना, 10 हज़ार रुपया दो ना, देना पड़ता है। कोई मंजिल का हो गया, यहाँ है कि BPL वाले को पैसा देना चाहिए, लेकिन जो भी गरीब मर जाते हैं, भैया फलना मर गए लो भाई 2000-3000 रुपया ले जाओ, सारे चीज़ों से समस्याओं से उलझना पड़ता है। जबकि बहुत से मुखिया ऐसे हैं जो आर्थिक स्थिति, जैसे हमारे जैसे आर्थिक स्थिति से बहुत डैमेज है अभी तक, सरकार पैसा देती है काम करने के लिए, बांटने के लिए नहीं देती है, लेकिन जो समस्याएं आती है हम लोग उसे उलझते रहते हैं, समस्याओं का समाधान करते रहते हैं, या जैसे हो आपको देना है तो देना है, ये तो नहीं कहती है कि हाँ जाओ अब नहीं देंगे, आप तो मुखिया हो गए। बहुत से लोग ऐसा समझ गए कि मुखिया हो गया तो पैसा का गाछ हो गया, चलो भाई अब तो मुखिया हो गया, बहुत बड़ा धनी मनी हो गया, लेकिन क्या समस्याएं हो रही है मुखिया का, बहुत सा कार्यक्रम है अब हो गया, पहले के मुखिया जी लोग थे, सरकार थी कि 60% पंद्रहवीं में हुआ कष्टी में हो दे देते थे, अब क्या है कि कार्य पूर्ण कीजिएगा, जियो टेकिंग होगा, MB बनेगा, MB बनने के बाद भी 6-3 महीना तक लटकते रहिए, दौड़ते रहिए, और भी जा जब पैसा जाता है वेंडर के पास में, वेंडर मन खुश हुआ तो अपना कटेगा, देगा देगा नहीं देगा अपना होते रहता है, खर्चा बर्चा ये तो खर्चा उसके जिम्मे है, उसके ऊपर है। इसलिए मुखिया लोगों को बहुत सी समस्याओं को उलझना पड़ रहा है, इसलिए उन लोगों को तो जो MLA विधायक कहा है, ग्रामीण समस्याएं उन लोगों को नहीं उलझना पड़ता है, उनके पास कोई पंचायत के लिए नहीं जाता है, कोई मारपीट करता है तो केस
थाना में जाता है उसके पहले यहाँ लोग आते हैं मुखिया जी देखा फलनामा केस करे गई है देखो करके तो दौड़ करके यहाँ भी जे खाइए चाहे मत कीजिए नहाइए चाहे मत नहाइए कुछ काम आपका हो या नहीं हो लेकिन उसके काम में आपको वहाँ जाना पड़ेगा और उनके समस्याओं को समाधान मिलकर करना पड़ेगा। इसलिए तो जो सुविधा है उन लोगों को मिलता है मिलना चाहिए उन लोगों को भी कारण कि उन लोगों को कह तो दिए उन लोगों को समस्या नहीं है जो हम लोगों का समस्या पास में है। जब सारे समस्याओं से मुखिया सरपंच वार्ड सरपंच जो है लचते रहते हैं उनके पास समस्याएं आते रहते हैं किसी का नली गली है किसी का घर रुक गया किसी का खेत का मामला आ गया बहुत से बोरिंग जहीं तहीं टूटा फूटा है तुरंत फोन आ गया मुखिया जी देखो ना भैया पानी लीकेज करते अभी आपके सामने आया कि यहाँ स्लीपर नहीं है वहाँ पर स्लीपर दे दीजिए वहाँ तो सारे समस्याओं तो विधायक भी नहीं जाएंगे लोग वो तो एमपी भी लोग नहीं जाएंगे फोन आ गया हमारे पास कि यहाँ नाली टूटा हुआ है हम नाली जाकर के समस्या को देखना होगा नाली का पानी है तो कहाँ है रास्ते पर तो नहीं आ रहा है। तो इस तरह की समस्याएं हैं और जो सुविधा हम लोग को मिल रहा है मिलना चाहिए। तो आपने सुना जिस तरह से मुखिया जी का दर्द है जब भारत का संविधान एक है तो निश्चित तौर से अधिकार मिले तो सबको मिले नहीं तो किसी को नहीं मिलना चाहिए। एमपी एमएलए से ज़्यादा काम मुखिया जी करते हैं जैसा कि इन्होंने कहा चाहे वो सुख हो दुख हो हर तरह की समस्या इनके पास आते हैं एमपी एमएलए के पास तो नहीं जाते हैं कि हमारे घर में ये हो गया वो हो गया लेकिन मुखिया जी के पास कोई भी अगर पारिवारिक मामला हो सामाजिक मामला हो तो सीधा मुखिया जी के पास आना है। हालांकि जो घर के लड़ाई झगड़े का मामला होता है वो इसके लिए सरपंच होते हैं न्यायाधीश जो धर्माधिकारी के रूप में करते हैं लेकिन उनका अब पद जो है केवल अब नाम करा गया है कोई भी काम सीधा मुखिया जी चाहे घर में किसी तरह का समस्या है तो मुखिया जी को हर तरह का सुविधा मिलना चाहिए जो एमपी एमएलए को मिल रहा है। आपने वेब समाचार में समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी आभार कि हम लोगों को इस लायक समझे और मौका दिया कुछ बोलने का समस्याओं को रखने का मौका दिया आपने इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।